हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, धन्यवाद, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सो होली मना के हम निकल चुके हैं नासिक के लिए और अभी बज रहे हैं दिन के 3। हमने खाया खाना और अब हम जा रहे हैं। आज हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं? ग्रीन पैराडाइज रिसोर्ट में। ग्रीन पैराडाइज रिसोर्ट तक आज हम लोग जा रहे हैं और कल सुबह मंदिर दर्शन के प्लान है, त्र्यंबकेश्वर महा ज्योतिर्लिंग। गुड, बोलो गुड। ए खा दिया उसने। ओ बाबा, क्या ये बाबा। तो मेरा मुंह तो बहुत कद्दू जैसा हो रखा है। मे बी कल का तो बहुत टायर्डनेस था। वी प्लेड होली लाइक क्रेजी पीपल। आई शेयर सम पिक्स, सम ग्लिम्प्स। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए अभी एज सून एज पॉसिबल और वहाँ से हम लोगों का प्लान है शनि शिंगणापुर जाने का डायरेक्टली एंड देन समवेयर नियर अराउंड वी विल स्टे टुनाइट। सो Stay tuned and चलिए भगवान जी के दर्शन करते हैं। हेलो दोस्तों, सो अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और मंदिर के बिल्कुल बराबर तक आप गाड़ी लेके जा सकते हो। पार्किंग का थोड़ा बहुत इशू है जिसके लिए आपको वहां के लोकल लोग हेल्प कर देते हैं। तो हमने ये बाइक पे जो आदमी जा रहा है इसको हमने लगभग 100 रुपये दिए थे एंड ही फाउंड अस अ वेरी गुड पार्किंग प्लेस राइट बिसाइड मंदिर। यहाँ अगर आप देखोगे तो सामने ब्रह्मगिरी पर्वत आपको दिख रहा है और राइट साइड में मंदिर का एंट्रेंस दिख रहा है। कहते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म भी यहीं हुआ था
और सामने वाला पर्वत अंजनेय पर्वत है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जी के। सो दोस्तों, अब हम यहाँ दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं और हमने कोई स्पेशल फ़ी पे नहीं की है, हम लोग साधारण लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर की सबसे अच्छी बात ये भी थी कि आम जनता के लिए मंदिर के मुख्य प्रांगण तक पहुंचने के लिए जो लाइन लगाई गई है उसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छे से है। नंबर एक तो ये था कि सारा का सारा जो आपका एरिया है वो कवर्ड है, तो भारी धूप में भी आपको एक छत मिलती है। दूसरा, पूरा एरिया अच्छे से पंखों से कवर्ड है, एरी है। तीसरा और सबसे मुख्य है और सबसे अच्छी पॉइंट जो मुझे लगी वो ये थी कि सारे वेटिंग एरियाज में दोनों तरफ बेंचेस लगी हुई हैं, तो आप लोग आराम से बैठ कर जा सकते हैं और बच्चे और वृद्धों के साथ भी आप ये नॉर्मल इंतज़ार वाली जो घड़ी है इसको सुख पूर्वक कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ हम लोग बस मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश लेने वाले हैं। यहाँ एक छोटा सा नल है जहाँ आप हाथ पैर धो सकते हैं और बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं वहाँ से मंदिर शुरू होता है। तो यहाँ आप देखेंगे सभी लोग बाबा की जयकार कर रहे थे और सब लोग दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये है आपका पहला मुख्य पड़ाव जहाँ से हम लोग प्रवेश ले रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के मंदिर के मुख्य प्रांगण में। सो पहला द्वार हमने जब क्रॉस किया तो यहाँ सामने हमने पाया कि हम लोग जो फूल थाली लेकर आए हुए थे उसमें से सिर्फ नारियल को अलग कर दिया जा रहा था। तो सामने वाले मंदिर में नंदी बैल विराजमान है और उस समय घड़ी कुछ ऐसी थी कि ठीक हम लोग जैसे ही मंदिर के सामने पहुँचे लाइन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था क्योंकि सफाई का कुछ काम चल रहा था। तो हम लोग काफ़ी 5-10 मिनट तक मंदिर के सामने रहे, अच्छे से दर्शन भी किए और हमारे सामने मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे वो भी वहाँ आए थे और उन्होंने भी उस समय भगवान जी के पूजा पाठ की। तो दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यहाँ हम लोग मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने पहुँच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं टीवी दिख रहा है जहाँ आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यही दर्शन वेबसाइट जो कि इस संस्थान की एक वेबसाइट है वहाँ पे आप 24 घंटे लाइव दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुलने के टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर प्लान कर रहे हैं तो मंदिर के वेबसाइट पे जाकर ज़रूर एक बार चेक कर लें। तो अब आती है बारी त्र्यंबकेश्वर महादेव से जुड़ी कहानियों की। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि ब्रह्मगिरी पर्वत आप मंदिर के प्रवेश द्वार से ही देख सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पे गौतम ऋषि और उनकी भार्या अहिल्या माता निवास करते थे। कहते हैं कि गौतम ऋषि के पुण्यकर्म इतने ज़्यादा हो गए थे कि स्वयं अन्य ऋषि और भगवान भी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और गौतम ऋषि पे गौ हत्या का एक षड्यंत्र रचा गया। एक गौ उनके खेतों में चर रही थी और एक हल्के से डंडे के छुअन पे ही उस गाय की मृत्यु हो गई। ऐसा होने के बाद सारे ऋषियों ने उन्हें आरोप लगाया और उनसे कहा कि उन्हें गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। गौतम ऋषि को माँ गंगा को धरती पे अवतरित करने के लिए भी कहा गया था। सारे योजन करने के बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव की बहुत पूजा अर्चना करी और उनके पूजा अर्चन से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतरित होने का आदेश दिया। कहते हैं कि माँ गंगा इस आदेश से बहुत खुश नहीं थी और उन्होंने जाने से मना कर दिया था। भगवान शिव उनकी इस आज्ञा उल्लंघन की वजह से क्रोधित हुए और उन्होंने वहाँ तांडव नृत्य किया और अपनी जटाओं को झटक कर ब्रह्मगिरी पर्वत पर गंगा को अवतरित होने का पुनः निर्देश दिया। कहते हैं कि अभी भी ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर 3 जटाओं के निशान अभी भी विराजमान हैं। ऐसा करने से माँ गंगा सहम गई और माँ गंगा वहाँ अवतरित हुई। दक्षिण गंगा, गोमती नदी अथवा गोदावरी नदी, इन नामों से माता गंगा ने यहाँ प्रवाह शुरू किया और आज भी माता का मंदिर ब्रह्मगिरी की चोटी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में पड़ता है।
वर्तमान में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जो हम देख पाते हैं वो मराठा साम्राज्य के 8वें श्रीमंत पेशवा बाजीराव भट्ट, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1740 में उन्होंने पेशवा की गद्दी संभाली थी और 1760 तक उन्होंने शासन किया था। इसी बीच उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर के रूप में विराजमान नहीं है, वो एक जनक भी हैं, एक पालनकर्ता भी हैं और एक विनाशक के रूप में भी हैं। शिवलिंग पर 3 बिंदु दिखाई देते हैं और उसका गर्भगृह जमीन के सतह से थोड़ा नीचे है, भक्तों की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ा शीशा लगाया गया है छत की तरफ, जहाँ से आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबक में भगवान शिव को यहाँ का राजा माना जाता है और मुख्य मेलों के टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे उन्हें पूरा राजा के रूप में सजाया जाता है। वो जन प्रजा से मिलने के लिए बाहर निकलती है डोली, और अगर आप देखेंगे तो ये उनका सजाया हुआ रूप है। उन्हें एक सोने का मुकुट पहनाया जाता है जिसमें 3 मुख हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाते हैं, और इनकी डोली निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का एक बहुत ही अनोखा स्थान है पूजाओं में, और यहाँ मंदिर के बाहर जो ये प्रांगण है, यहाँ पर एक पंडाल है जहाँ आपको पंडित जी, गुरु आदि इत्यादि बैठे रहते हैं। ये लोग इस पूजा मंडप में हमें विभिन्न तरीके की पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुछ विशेष तरह की पूजाएं और विशेष दिनों पर भी करवाई जाती हैं। हमने भी वहाँ पे एक छोटी सी पूजा अपने परिवार के साथ की, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मुख्य मंदिर की बाहर की ये संरचना, जो कि काफ़ी सुंदर है। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मराठा साम्राज्य के समय पे इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। करने के बाद मंदिर के पिछले भाग में हम जब पहुंचे तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मुख्य गर्भगृह में जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, और जो भक्त जन हैं वो इस जल को ग्रहण करते हैं, माथे पे लगाते हैं। कुछ लोग इसको बोतल में कलेक्ट करके अपने घर के लिए भी लेके जाते हैं। तो एक शिवलिंग के रूप में ईश्वर यहाँ विराजमान है, और त्र्यंबकेश्वर रूप में गर्भगृह में भगवान जिस रूप में है वह उसका भी एक प्रतिबिंब यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हो कि सभी भक्तगण अपना आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद परिवार के साथ यहाँ से हम निकले मंदिर की बाहर मुख्य द्वार की तरफ से, और बाहर काफ़ी बड़ा मार्केट है खाने पीने के लिए, अच्छी दुकान भी हैं। तो यहाँ पे हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और फिर हम आगे बढ़े नासिक मुख्य शहर की तरफ। तो चलिए अब आपको पंचवटी के दर्शन करवाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पंचवटी, और हमारे दर्शन हो चुके हैं पंचवटी। हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर से आगे जा रहे हैं नासिक की तरफ, लगभग 45 मिनट्स की जर्नी के बाद। नासिक जिला रामायण से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि दंडकारण्य, जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 साल का वनवास गुजारा था, वो इसी क्षेत्र में गुजारा था, और उस समय की जितनी भी उनकी कहानियाँ हैं उससे जुड़े हुए अलग अलग स्थान, मंदिर आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद नासिक डिस्ट्रिक्ट गए, जो कि वहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर है, आधा घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ बहुत सारे अलग अलग मंदिर, सीता गुफा, पंचवटी मंदिर, राम सीता मंदिर, इन सब के आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव और नासिक के दर्शन हो चुके हैं। पंचवटी में हमने सीता माता का मंदिर देखा, सीधा गुफा के दर्शन किए बाहर से, और अब हम चल पड़े हैं शनि शिंगणापुर की तरफ।
लगभग 3 घंटे का सफ़र हम लोग तय करने वाले हैं और रास्ते में हमें काफ़ी जगह ये गन्ने की जूस की दुकान मिली जहाँ पे बहुत ओल्ड मेथड से बैल की मदद से रस निकाला जाता है। और अगर आप ये ट्रिप लेते हैं तो आपको भी पक्का ये रास्ते में मिलने वाले हैं। एंड इट वाज सो हॉट, बहुत गर्मी थी मौसम में, तो गन्ने के जूस का फ़ायदा उठाया और खूब मस्ती की, खूब परिवार के साथ अच्छी यादें बनाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिलीज और दोस्तों के साथ। और अगर आपका बिल्कुल कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से शेयर कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका ख्याल रखूँ। और इसी तरह से आपका साथ और प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव शंकर आप सब पे कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच।